ठीक है तो वो क्या है वो एक रॉम्बस है ठीक है इस तरीके से मैं अल्ट्रॉइड फॉर यू ठीक है इट्स अ पैलोग्राम और उसकी चारों साइड्स क्या है चारों साइड सेम है ठीक है ऑल द आर सेम ऑफ इक्वल लेंथ सपोज ए ए चारों साइड सेम है ओके द डायगनल आर इन द रेशियो द डायगनल आर इन द रेशियो सपोज ठीक है डायगनल्स है मी ड्रॉ द डायनल ओके लेट मी ड्रॉ द डायगनल्स ये दो डायग्नल्स हैं ठीक है एक डायग्नल सपोज ये डी वन है और दूसरा वाला डायगनल डी टू है इन दोनों के रेशियो आपको दिए डायगनल डी वन इज टू तो डायगनल डी टू का रेशियो दिया है वन इज टू टू तो आपको तो पता ही है हम लोग तो कॉमन मल्टीपल लेते हैं वी टेक कॉमन मल्टीपल ठीक है ममता शुक्ला सिंह आई आंसर यू हैव सॉल्वड इट और नॉट आपने इसको अच्छे से सॉल्व किया नहीं नहीं किया आपने पता ठीक है चलो तो यहां पर इफ यू टेक लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स अगर आप कॉमन मल्टीपल एक्स ले लेंगे सो व्हाट विल गोइंग टू कम ओके तो डायगनल डी वन आ जाएगा एक्स और डायगनल डी टू आ जाएगा टू एक्स और उसके बाद व्हाट इज गिवन उसके बाद आपको ये भी दिया है कि इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ डायग्नल इज ट्वेल्व अरे d1 d2 कितना है 12 ये भी दिया है तो यहाँ से तो d1 d2 करेंगे तो 3x 12 और x कितना आ जाएगा x आ जाएगा 4 जैसे ही x 4 आ गया दोनों डायगनल्स आ जाएंगे d1 कितना है x तो d1 कितना है 4 सेंटीमीटर आ जाएगा और d2 कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर ठीक है तो दोनों डायगोनलस आ गए नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड यू हैव टू फाइंड द एरिया What you have to find? You have to find the area. Therefore, area, hota hai? you should know this area. Area is equal to half into product of its diagonal, d1 into d2. So, half into 4 into 8. Take so, 2, 4 times 4 4 are 16 centimeter square. Take it. So, that's why the answer is okay, 16 centimeters square. So, C is the right answer. Okay.